पे हम डोनट मारने के लिए नहीं आए, और स्पेशली इस गाड़ी में हम डोनट नहीं मारने वाले हैं। भाई सोच रहा है भाई भी थार ले ले। विकास भाई क्या बोलते हो? जैसे कि मेरे पे क्या बोलता है विशु? आप ऐसे किसी गाड़ी पर इतनी डस्ट हो ना, कपड़ा नहीं मार सकते हो। एक सरप्राइज था जो मैं आपको कल देने वाला था शायद से, तो बाद में बताएंगे ना। शुभ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आज है मंडे और मैंने आज वैसे मनाली निकलना था, लेकिन दो तीन गाड़ियों के ना रिव्यू शूट करने को थे मेरे को, तो मैंने कहा जब मनाली जा ही रहा हूँ मैं तो शूट करके ही जाता हूँ, मैं बैकअप भी हो जाता है साथ में, और मेरे को खुद को गाड़ी काफी अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखा देता हूँ वो गाड़ियाँ। ठीक है, बाकी उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि गाड़ी में जैसे ही मैं, ठीक है, भाई ने आज फिर से कुछ रखा हुआ है और ये वही भाई है जिन्होंने उस दिन सामने रखा हुआ था ना। थैंक यू सो मच यार, हाय सर एंड पुंटो, बिग फैन। भाई को पुंटो पसंद है शायद से, यहाँ पे भी वही चीज रखी है। थैंक यू सो मच जी, आपका पहले वाला भी मैंने वो पीछे रखा हुआ है, यहाँ ऊपर रखा हुआ है, मैंने पहले भी संभाल के। मैंने उस दिन बोला था ना, मैंने कहा फेंकूंगा नहीं इसको, रखूंगा, तो मैंने ऊपर डिक्की में वहाँ पीछे रखा हुआ है, तो इसको भी रखेंगे वहीं पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो आप लोग। और एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मेरे को, जल्दी से 100K तो नहीं, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 100K करवा दो आपका भाई बाल काट देगा, 100 नहीं चलो 80 करवा दो, 80 ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं आप लोगों के लिए, तो 80 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करो आपके भाई की, चाहे नई आईडीज बनाओ, चाहे अपने इधर उधर सबको, मतलब सबकी आईडीज से आप लोग सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाना, जल्दी से 80K करवाओ। जैसे ही 80K टच होगा ना, मैं उसके अगले दिन बाल काट दूंगा, आई प्रॉमिस, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला हुआ था, तो जो 70% जो मेरी ऑडियंस है वो चाहती है कि मैं बाल काटूं, 30% जो ऑडियंस है वो चाहती है मैं बाल ना काटूं, 70% मतलब मेजोरिटी जो है वो ज्यादा है, तो वो कह रहे बाल काटो, तो 80K सब्सक्राइबर्स कराओ जल्दी से, ठीक है, और मैं बाल काट दूंगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं रिव्यू शूट करते हैं, मिनी मार्केट जा रहा हूँ तरुण भाई से मिलना है, और वहीं पे हम लोग रिव्यू वगैरह का भी सीन करेंगे। तो एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के ब्यूटीफुल से डे की करते शुरुआत, लेट्स गो। बहुत सनी दिन है आज का, बहुत सनी दिन, और इतना सनी है कि मतलब एसी ऑन करना पड़ रहा है गाड़ी में। तो अभी यार मिनी मार्केट पहुंच गया तरुण भाई। तरुण भाई तो निकल रहे घर को, थार यहाँ पे छोड़ी हुई, हम थार का रिव्यू करते हैं। कितने दिन में आना है आपने? कहाँ? मैंने आपकी वीडियो में बोला कमेंट करो आप मनाली चलोगे, मनाली आप चल नहीं रहे हो, घर से हो गया हो फिर प्लान ना थे, और अभी मैं आपकी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ। डन, थार एक्चुअली यहीं पे छोड़ी हुई है, इसका रिव्यू करते हैं। तो अभी थार के अंदर मैं आ चुका हूँ तरुण भाई की, एक्चुअली मैं जब रिव्यू कर ही रहा हूँ, थार दिखने में सिंपल है लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कराई हुई है तरुण भाई ने, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं डिफरेंट सी चीजें। मैंने भी आज तक इतनी थारे देखी, बट ये चीजें मैंने आज तक थार में नहीं देखी हुई है। वैसे आप लोग, आप में से काफी लोगों ने तरुण भाई के चैनल में ये चीज देखी होगी जब इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कि इन्होंने इस गाड़ी में क्या क्या चीजें कराई हुई है। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको बोला था 2 से 3 गाड़ियों का मैं रिव्यू शूट करने वाला हूँ, तो पहली गाड़ी यही है, इसका शूट कर देते हैं। तो यार अभी ना तरुण भाई की गाड़ी का रिव्यू करना है, लोकेशन एक अच्छी सी है, वहां पे चलते हैं, यहाँ पे शोर शराबा काफी ज्यादा है और थोड़ी सी ना गंदी है, वो उस चीज का माइंड मत करना, क्योंकि तरुण भाई के घर का आपको पता नहीं कंस्ट्रक्शन का काम चला है सब जगह। हाँ जी विकास भाई, आप भी चल रहे हो? चलो फिर लेट्स गो, चलते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पर, वहाँ इसका रिव्यू करते हैं। तो अभी थार में हम लोग निकल चुके हैं, हम तीनों हैं, विकास भाई, मैं और विशु, और हम लोग जा रहे हैं डोनट वाली लोकेशन में, डोनट नहीं मारने हैं, वहाँ जाके रिव्यू करना है, क्योंकि पीसफुल प्लेस है यार, वो अच्छे से रिव्यू हो जाएगा। लेफ्ट राइट विशु? एक्चुअली मेरे को लोकेशन पता नहीं है, तो दो बंदे बैठे मेरे साथ बताने वाले। चलिए, थार में मजा है? मजा तो है, मजा बहुत है, मजा बहुत है भाई। तो यार तरुण भाई की गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है भाई, सिस्टम लगा है, अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ है, तो क्यों ना सुनते हुए जाएं। बढ़िया बढ़िया, चल विशु। तो यार भाई सोच रहा है भाई भी थार ले ले। विकास भाई क्या बोलते हो? जैसे कि मेरे पे क्या बोलता है विशु? और लूंगा साला, अगर लेनी होगी तो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि पता है क्यों, मैनुअल चला चला के पहली बार थक गए हम लोग, ठीक है, बहुत हो गया मैनुअल यार, और ट्रैफिक वगैरह में ना ऑटोमेटिक ही, देखो ब्रेक छोड़ूंगा ये अपने आप चली आगे, ये ब्रेक दबा दी, ना क्लच दबाने की टेंशन, ना गियर लगाने की टेंशन। और इसमें एक और चीज़ है, कौन बोलता है कि इसमें मैनुअल नहीं होता, होता है मैनुअल, ये दबाया, ये देखो ये राइट की शिफ्ट, आगे देख रहे हैं, देखो मैनुअल फर्स्ट गियर पे है, ये देखो ये सेकंड, ये देखो सेकंड लग गया, कौन बोलता नहीं होता, इसको ड्राइव पे आगे वापस होता है यार, गियर मैनुअल होता, मतलब अगर ऑटोमेटिक गाड़ी भी मैनुअल करनी होगी, कई बार लगता है आपको कि गाड़ी कहीं फंस गई है या फिर इसको एक ही गियर में निकालना, ऑटो चेंज ना हो गियर, तो आप कर सकते हो मैनुअली, आप इसको डाल सकते हो गियर में, काफ़ी सही लगी मेरे को। नेक्स्ट टारगेट थार, लेकिन जिमनी को लॉन्च होने देंगे पहले, कहीं ऐसा ना मैं जिमनी आ जाए और मैं थार लेके बैठ जाऊँ और बाद में रिग्रेट करूँ, लेकिन और कोई गाड़ी में लेने वाला नहीं हूँ, या फिर जिमनी आएगी या फिर थार। भाई शादी है ना यहाँ पे, ट्रैफिक लग गया है, जाए खा के आए फ्री का खाना, लंच टाइम हो गया, वैसे भी लंच टाइम हो गया यार, 2:19 हो गए। दमन वेड्स अवीन, अवीन हर बंदे के पास थार है यहाँ पे, मनाली में नहीं है लेकिन यहाँ, जैसे मनाली में हर मतलब जगह जिप्सी और ऑल्टो,
वैसे हाल है यहाँ पे थार के, हर बंदे ने थार रखी है भाई। यार अभी हम लोग जा ही रहे थे यार, मैं कहा I-20 में कौन आ गया, मैं कहा कोई लड़ने के लिए आ गया मेरे साथ जम्मू में, देखा था अपने बंदे। हाँ जी फिर शादी के काम चल रहे हैं। चलो अभी मेन जगह पे जाना है पहले। कहाँ? अच्छा समझ गया, सब्जियाँ ले जा रहे हो। तीसरा बंदा कौन है पहले मुझे बताओ। है क्यों? स्मॉल टाउन राइडर नहीं, फिर एक लड़की पटाई मैंने आजकल जम्मू में, एक लड़की पटाई आजकल मैं जम्मू में। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ। है अपने बंदे एक आ रही है, विकास भाई आ गए। भैया को सुनाई हमारी दुख भरी कहानी? अभी कैमरे के बाद सुनाते हैं चीजें, कैमरे में नहीं। तो अभी बात करते फिर निकलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डोनट लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे हम डोनट मारने के लिए नहीं आए और स्पेशली इस गाड़ी में हम डोनट नहीं मारने वाले। तो PPF का फायदा आपको दिखाऊं, तरुण भाई ने ना PPF कराई हुई है, पैसा खर्चा है बहुत ज्यादा, लेकिन उसका प्लस पॉइंट भी है, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते, बची रहती है गाड़ी। और आप ऐसे किसी गाड़ी पर अगर इतनी डस्ट हो ना, कपड़ा नहीं मार सकते हो, बट इसमें हम कपड़ा मार सकते हैं क्योंकि PPF के ऊपर मारो चलता है ना। चलो फिर कपड़ा मारते हैं, हम इसको साफ करते हैं, क्योंकि रिव्यू वीडियो शूट करनी है ना, गाड़ी तो ही साफ दिखनी चाहिए यार, ऐसे डस्ट दिख रही है बहुत ज्यादा ना। तो आपको पहले कपड़ा मारते हैं, उसके बाद रिव्यू वीडियो शूट करते हैं, और वो इसके साथ नहीं आने वाली है, तो साफ करके रिव्यू वीडियो लेता हूं, वो सेपरेट आएगी। ठीक है, तो रिव्यू वीडियो लेता हूं, उसके बाद मिलता हूं आपको। तो यार गाड़ी का रिव्यू हो चुका है, छोटा मोटा रिव्यू किया है मैंने। ठीक है, बाकी काम करते हैं, यहां से निकलते हैं, क्योंकि 3:15 हो चुके हैं और इसने विशु ने ना वहां पे क्लिनिक भी जाना होता है। ये चीज चेक आउट करो, देखो भाई कैसे बैठ गया अंदर जाके, कुत्ता चिल मार के निकल गया भाई, गर्मी हो गई थी इस बेचारे को। वेरी नाइस वेरी नाइस, कुत्ता नहीं कुत्ती है। तो अभी थार हम लोगों ने पार कर दी अक्षय भाई के यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर को, क्योंकि विशु लेट हो रहा है क्लिनिक के लिए। बाकी ठीक है, मिलते हैं मनाली के बारे में आप, बस दो चार दिन में। ठीक है, ओके अक्षय भाई, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, मनाली जा रहा हूँ। आपके बारे में? हाँ कल अटेंड करने आ रहे हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे। आपके बारे में मनाली, जल्दी ना, डन। ठीक है, मिलते हैं, डन डन। तो वैसे तो हम लोग घर को जा रहे थे, लेकिन एक सरप्राइज था जो मैं आपको कल देने वाला था शायद से, तो बाद में बताएंगे ना अक्षय भैया। बिल्कुल, अक्षय भैया और मैं जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में शायद से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज है। तो अभी साथ में ही हमने कहीं जाना है ना, वहाँ चलते हैं और देख, पहले खुद देख के आते फिर आपको सरप्राइज देते हैं। तो यार अभी ना मैं जा रहा हूँ विशु को क्लिनिक छोड़ने के लिए, क्योंकि लेट हो गया है काफी ज्यादा। मैंने आपको बोला ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है आपको, उस सरप्राइज के चक्कर में बेचारा लेट हो गया, क्योंकि अक्षय भैया मैं चले गए थे और हम लोग आए आधे घंटे के बाद, तो लेट काफी ज्यादा हो गए। तो मैंने कहा तू कहाँ घर जाएंगे, बाइक उठाएगा फिर निकलेगा, एक काम करते बेटर है मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं पता नहीं नए रास्ते से जा रहा हूँ, यही मेरे को रास्ता बताएगा, यहाँ से मैं कभी गया नहीं हूँ। और जो सरप्राइज है ना वो आपको कल मिलने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, या नेक्स्ट वीडियो में, क्या पता मैं आज की वीडियो के साथ ही उस वीडियो को जोड़ दूँ, तो आज ही मिल जाएगा आपको, अदरवाइज कल। सुबह ना काफी जल्दी जल्दी में निकला हूँ, एडिटिंग नहीं की थी, घर पहुंच गया हूँ, जल्दी से एडिटिंग करता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। फिर घर से ना एडिटिंग वगैरह करके मैं निकल चुका हूँ, टाइम अभी हो चुका है, और ना टाइम अभी हो चुका है 9:05, और अभी मैं आया हूँ विशु के डेंटल क्लिनिक में, मेरे को दांतों का थोड़ा सा चेकअप वगैरह करवाने को था, तो मैंने कहा जाने से पहले मैं करवा देता हूँ, क्लीनिंग करवाने को है और फीलिंग क्लीनिंग करा दो पूरे दांतों की, और साथ में फीलिंग करवाने को है। तो ये मेरे को कब से बोल रहा है, आ जा कर देते तेरा, तो आज मैं आई गया, मैंने कहा फाइनली कर देते हैं। तो और टाइम आप भी सोच रहे होंगे इतनी लेट, मतलब इतनी लेट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका क्लिनिक ही खुलता है 4 लेकर रात को 10 तक। ठीक है, तो मतलब इवनिंग शिफ्ट्स है, तो वही सीन है। तो अभी चलते हैं अंदर, क्लीनिंग वगैरह कराते हैं, क्योंकि परफेक्टली स्माइल अगर करना है ना दांत साफ होने चाहिए, तो चलते हैं अंदर और क्लीनिंग वगैरह कराते हैं अपनी और फीलिंग कराते हैं। तो फाइनली आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद आपका भाई निकल चुका है दांतों का काम करा के, सारा नहीं हुआ मेरा क्योंकि सारा कराने के लिए काफी टाइम लगता है। लेकिन एक चीज़ है भाई, जम्मू में और मनाली में ना फर्क है, मतलब डॉक्टर्स का बहुत फर्क है यहाँ पे, मतलब दिखता है मशीन भी अच्छी है और प्रोफेशनल है डॉक्टर्स। भाई काम हो चुका है और यहाँ से निकलते हैं घर को, और सरे बार मेरे को देखेगी ब्लॉक कर रहा है बंदा। तो यार डेंटल के वहाँ से मैं आ चुका हूँ घर को, बाकी पेन मतलब सिर्फ एक सेकंड के लिए हुआ, लेकिन एक चीज़ है मनाली में और यहाँ पे फ़र्क है, मतलब फैसिलिटीज़ का, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, मशीन्स भी अच्छी है, बाकी काफ़ी अच्छे से हुआ काम। और कल भी जाऊँगा मैं, कल मैं मनाली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दांतों का कराना ज़रूरी है। पहले मेरे को लग रहा था मेरे ऊपर वाला दांत खराब है, बाकी अब नीचे का भी है, मतलब कल बताऊँगा आपको। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपको सुबह। minimum stress that's your best classic dress minimum gangster minimum